नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो क्या दिन था, आई होप आप सभी खुश हो गए होंगे। क्या दिन था यार, मतलब बजट का वोलेटिलिटी सब कुछ कैलकुलेट करके मार्केट ने सब कुछ एब्जॉर्ब कर लिया। इतना नेगेटिव न्यूज जो था बजट का, सब कुछ एब्जॉर्ब करके निफ्टी फिफ्टी का हाल देखिए, 1.76% अपना ऑल टाइम हाई हिट कर चुका है फिर से। 24,861, 1.76% निफ्टी 50 का राइज हुआ है वन डे का। वहीं पर निफ्टी मिड का भी 1.68%, मतलब क्या ही बोलूँ, गजब का रैली दिया है आज तीनों इंडिसेस ने। हालांकि स्मॉल कैप कंपैरेटिवली फिर भी 0.91% अच्छा है, कंपैरेटिवली निफ्टी 50 और मिड कैप के तुलना में थोड़ा सा डाउन है, फिर भी 0.91% दिया है। तो मेरा पोर्टफोलियो देखते रहे, पहले स्टॉक्स का पोर्टफोलियो देखिए, फिर से 99,000 पे आगे रुका है। लास्ट टाइम ही 99,700 पे रुक गया था, लेकिन वहां से फिर से डाउनफॉल स्टार्ट हुआ था। आज भी देखिए 99,391, वन डे का रिटर्न 1,600 का मिला है मुझे, 31,000 करीबन 32,000 का प्रॉफिट मिल चुका है। 47% ऑलरेडी रिटर्न्स मिल चुका है, स्टार्टिंग फ्रॉम 6 महीना हुआ है, छः छः साढ़े छः महीना हुआ है इसका। वन डे का रिटर्न देखिए 1.67। तो मेरा जो बेसिकली मेनली पोर्टफोलियो था आईरेडा, वो नीचे गया है आज, 1.21% डाउन था। 258 रुपीज़ का अभी डील कर रहा है, मैं लिया था 104 पे, ठीक है। 10,000 लगाया था, अभी 25,803 में है। IRFC दोनों ही आज नेगेटिव में है, 0.07%। इन दोनों का बात नहीं करेंगे, बात करेंगे जिसका राइज हुआ है। सोमैटो देखिए 2.42% राइज हुआ है, 224 रुपीज़ पे अभी एवरेज वैल्यू है इसका। नेक्स्ट है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स कल भी 6% से ऊपर गया था, आज भी देखिए 2.51%। तो बेसिकली ईवी वगैरह का सेक्टर काफ़ी बेहतरीन प्रॉस्पेक्ट्स दिख रहा है अभी, ठीक है। ईवी, सोलर, फिर एआई, ये सब वगैरह का काफ़ी अच्छा दिख रहा है अभी प्रॉस्पेक्ट्स। वरुण बेवरेज देखिए 1.49%, 1,600 का अभी है। जेंसर टेक्नोलॉजी 4.56%, काफ़ी अच्छा बेहतरीन रिटर्न दिया है सब। फिर सन फार्मा अभी 2.91%, डिवीज लैब्स 5.36%, ठीक है। एवरेज वैल्यू है मेरा 3,900 पे लिया था, मुझे लग रहा था काफ़ी हाई वैल्यू पे ले चुका हूँ, लेकिन अभी देखिए ऑलरेडी 22% रिटर्न्स ऑलरेडी मिल चुका है मुझे। ITC का भी देखिए 2.5% राइज हुआ है एक दिन में, तो लगातार 3-4 दिन से ITC हिट मार रहा है। HDFC बैंक भी कंपेरेटिवली ज़्यादा उठा नहीं है, लेकिन फिर भी पॉजिटिव में एंड किया है। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक का सरप्राइजिंगली आज बहुत दिन बाद 3% से राइज हुआ है, तो 650 का वैल्यू आके रखा, लेकिन मैं काफ़ी हाई पे लिया था, 771 पे लिया था। और बाकी दोनों का छोड़ दीजिए, IDFC और उज्जीवन नेगेटिव में ही है। तो ये मेरा टोटल स्टॉक्स का पोर्टफोलियो है। मैं फिर से स्टॉक्स का स्टार्ट करूंगा, अपना खुद का स्टॉक्स बाय करना स्टार्ट करूंगा एंड ऑफ द ईयर से। जब भी मैं स्टार्ट करूंगा तो आप लोग को बता दूंगा। मैं पहले अपना स्मॉल कैप का म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो थोड़ा स्टेबिलाइज करना चाहता हूँ। एक बार वो स्टेबिलाइज हो जाए तो मैं जो स्पेयर अपना अमाउंट है, जब जब भी मुझे पैसा वगैरह आएगा, मैं तो थोड़ा थोड़ा स्टॉक्स बाई करते रहूंगा। तो अभी उस वॉच लिस्ट देख लेते हैं आज का। देखिए क्वांटस इंडिया मोबिलिटी आज का नेगेटिव है, पता नहीं कैसे नेगेटिव गया, इतना हाई मार्केट था फिर भी 0.93। बुलिश इंडिया टेक्निकली भी सरप्राइजिंग नेगेटिव गया है। सर्किट ब्रेकर्स फिर से देखिए 2.56, मतलब मैं इतना सोच रहा था, इतना बोल भी रहा था पहले कि इतना हाई रिस्क हो जा रहा है। हाई रिस्क तो है अभी भी है, लेकिन बहुत ही अच्छा प्रॉफिट दे रहा है, 2.56 आज ऊपर गया है। GI नेक्स्ट 50 1.45, GI का सारे स्मॉल केसेस अच्छा परफॉर्म किया, 1.34, 0.51, 1.55 है राइट इंडिया मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए लगातार अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए आ रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर डिफेंस, एनर्जी, ईवी वगैरह, मैन्युफैक्चरिंग, ये काफ़ी एवरग्रीन सेक्टर्स है ये सब। तो आराम से जिसका भी लॉन्ग टर्म का ओपिनियन है, लॉन्ग टर्म का हॉराइजन है, आराम से यहाँ ये सब सेक्टर्स में पैसा लगा सकते हैं आप लोग। रादर देन थिंकिंग कहाँ पे पैसा लगाए नहीं लगाए, तो डायरेक्टली अच्छा बेसिकली एक अच्छा स्मॉल कैप कैसे पिक करेंगे आप लोग। एक पहला एक सेक्टर पकड़िए जो सेक्टर में आप लोगों को लग रहा है कि प्रॉस्पेक्ट्स अच्छा है नेक्स्ट इन द नेक्स्ट 10 ईयर्स एटलीस्ट, अगर लॉन्ग टर्म का हॉराइजन है तो। एक सेक्टर पकड़िए, सेक्टर पकड़ना हो गया, उसके बाद देखिए कि स्मॉल कैप का जो एक पर्टिकुलर कंपनी, स्मॉल कैप कंपनी बाकी सारे स्मॉल कैप कैसे परफॉर्मेंस करते हुए आ रहा है। अगर अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए आ रहा है, वो दोनों का कॉम्बिनेशन अगर ठीक बैठ रहा है, तो पर्टिकुलर उस कंपनी का एक स्मॉल कैप लीजिए। जैसे CWA अच्छा एक कंपनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा एक थीम है। अभी मैं देखूंगा CWA के इंफ्रास्ट्रक्चर ये पर्टिकुलर स्मॉल कैप कैसे परफॉर्म कर रहा है, इसका रिबैलेंसिंग क्या क्या है, इसका सब्सक्रिप्शन चार्जेस क्या है। अगर सब कुछ सही बैठ रहा है, आई कैन कंसिडर इट, ठीक है। ऐसा ऐसे करके आप लोग स्मॉल कैप पिक कर सकते हैं।
क्वीवर 1.1, जीआई मरीज 1 से नीचे है, सीडब्ल्यू डिफेंस देखिए 1.31%, डिफेंस आज काफी इम्प्रूव किया है, काफी इम्प्रूव किया है डिफेंस आज। मेरा अपना अपना पोर्टफोलियो में भी काफी इम्प्रूवमेंट हुआ है डिफेंस में, 0.7, 1.22 एमए कन्वेइंग बास्कर, ये भी काफी अच्छा स्मॉल केस है। मोमेंटम ट्रेंड में 1.56, आज का हीरो है देखिए फिर से एसआर ग्रीन एनर्जी 2.80, ग्रीन एनर्जी लगातार अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए आ रहा है। नॉर्मल ग्रीन एनर्जी जो निवेश आय की तरफ से है वो भी लगातार 3-4 दिन से अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए आ रहा था, आज भी ये देखिए 2.80। विनियोग देखिए, विनियोग इंडिया कैमिलियन से बेटर है वैल्यू देखिए 1.60%। इसका रिटर्न भी देखिए, जब से मैं सेम डेट पे लगाया था रिटर्न इसका देखिए 23.63 और विनियोग इंडिया वैल्यू का है 31। तो मैं अगर कंसिडर करने वाला हूँ दोनों में से तो ये मेरा मेरा पहला टारगेट होगा विनियोग इंडिया वैल्यू। ये नेगेटिव गया है CWA का, सारे स्मॉल कैप से अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए आ रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर भी देखिए स्मार्ट वैल्यूज का 1.33, अच्छा मेरा पास स्मॉल कैप देखिए स्मार्ट वैल्यूज डिफेंस 1.56, जो कि काफी काफी प्लेजेंट चेंज है। मुझे लगातार 10-15 दिन से नेगेटिव देखने के बाद प्लेजेंटली लग रहा है कि मुझे मैं ग्रीन देख पा रहा हूँ एटलीस्ट यहाँ पर, तो ठीक ठाक है। 1.79, 1.58 है इंट्रिंसिक वैल्यू कैश की। ये ऐसा एक स्मॉल केस है ना, कभी कभी बहुत लो जाता है, कभी कभी फट से एकदम हाई 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 परसेंटेज चेंज दे देता है। तो आज का देखिए 3.07, ये काफ़ी बेहतरीन है। ओमनी पावर देखिए बहुत ही अच्छा स्मॉल केस है 2.35%, ये भी इलेक्ट्रीफाइंग इंडिया मतलब एनर्जी सेक्टर में पैसा लगाता है, पावर एंड एनर्जी सेक्टर, पावर एंड एनर्जी सेक्टर इंडिया में बहुत ही अच्छा करने वाला है, क्योंकि जो कि एक तो है मैन्युफैक्चरिंग का, मैन्युफैक्चरिंग लेके ये सब कंपनी में डायरेक्टली अफेक्ट होता है, ठीक है। और उसके ऊपर जो बैटरी ईवी वगैरह वो सब है, वहाँ पर भी गवर्नमेंट का सब्सिडीज वगैरह चलेगा, वहाँ पर भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट होने वाला है बेसिकली पावर और एनर्जी सेक्टर में। 2.25% ट्रेड आइडियाज कुल लग देखिए 1.22, 1.08, 1.07 भारत अमृतकाल 1.3, 2.06 ओमनी मिड, हम लोग आज ओमनी मिड कैप वर्सेज जीआई मिड कैप का कंपैरिजन भी करने वाले हैं, ये बात का देखेंगे हम लोग वीडियो के एंड हो एंड मैं अपना पोर्टफोलियो शेयर करने के बाद वो कंपैरिजन करने वाला हूँ। एज टू वेल बिलर 0.63, 0.37, ओमनी भारत देखिए डिफेंस 0.84, अच्छा नीचे चलते 0.98, 1.29 है राइट स्मॉल कैप्स। ये मैं एक्सरसाइज एवरीडे करता हूँ आप लोगों के साथ, मैं खुद भी देखता हूँ, आप लोग भी देखना अगर पसंद करेंगे तो कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं देखता हूँ कि कौन कौन सा स्मॉल कैसे ट्रेंड में चल रहा है अभी, रादर देन 6 महीना 1 साल पहले क्या हुआ था, अभी कौन कौन से ट्रेंड में चल रहा है, कौन कौन से स्मॉल डेली चेंज किसका कितना अच्छा हो रहा है, वो एक अच्छा एक्सरसाइज बनता है ऐसे। वन वैल्यू माइग्रेशन लगातार 1 हफ्ते से अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए आ रहा है देखिए। ये मैं जब वीडियो बनाया था मैं इसको बोला था कि ओवर हाइप है, काफ़ी काफ़ी मैंने पॉपुलर भी है लेकिन मुझे उतना अच्छा नहीं, खास नहीं लगा था, लेकिन देखिए 1.96% गया है। स्टॉक्सटर मोमेंटम देखिए 1.6, जब से मैं लिया हूँ आई एम वेरी प्लीज्ड विद दिस, वेरी प्लीज्ड विद दिस। बहुत लोग बोले थे कि ये क्यों लिया, वो क्यों नहीं लिया, ओमनी स्मॉल कैप क्यों नहीं लिया, फिर बुलिश इंडिया टेक्निकल्स क्यों नहीं लिया, बहुत सारे कमेंट्स आए थे मुझे, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ अभी इसको लेकर, ठीक है। पहली बात तो है मेरे म्यूचुअल फंड्स का ही पोर्टफोलियो है, वहाँ पर मेरे बहुत सारे स्मॉल कैप फंड्स हैं, मैं एक ही स्मॉल कैप में ज़्यादा लगाना नहीं चाहता था, एक ही मैं मेरे पास कोई मोमेंटम वाला कोई फंड्स नहीं था म्यूचुअल फंड, तो मैं लगाना चाहता था एक ऐसे स्मॉल कैप में जो कि मोमेंटम कंपनीज को पकड़े, ठीक है। तो मैं बहुत ही खुश हूँ इससे 1.6, हालांकि मोमेंटम वाले स्मॉल केसेस एक बार बियर मार्केट स्टार्ट हुआ तो गंदी तरीके से नीचे गिरेंगे, वो भी मुझे पता है एंड आई एम प्रिपेयर फॉर दैट, लेट्स सी क्या होता है। ओमनी स्मॉल कैप टू सुपरट्रॉन 0.57 ठीक ठाक है। सुपर मल्टीप्लायर देखिए फिर से 1.60% ऊपर गया है, ठीक है। इसका इसका देखेंगे बाद में। सिलेक्टर मल्टी 0.95, 0.84, तेजी मल्टी फ्लैगशिप 1.42, 1.46 है अल्फा प्राइम, दैट इज वेरी गुड। नेकेड ट्रेड देखिए अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है काफी दिनों से 1.38, मल्टीप्लायर 1.52, ग्रीन एनर्जी वो कितना बेहतरीन प्रोस्पेक्ट लग रहा है ग्रीन एनर्जी का यार, जो लोग भी चाहते हैं यार ग्रीन एनर्जी में, मतलब अगर नया कोई स्मॉल कैप लेना चाहते हैं अपना सेक्टर के लिए बहुत कंफ्यूज है, डिफेंस हाई हो गया, रेलवेज हाई हो गया, कौन से सेक्टर में लगाना चाहिए, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट सेक्टर्स राइट नाउ ग्रीन एनर्जी, ठीक है। ग्रीन एनर्जी का बहुत सारे स्मॉल केसेस है, मैं यही पर्टिकुलर स्मॉल केस ये नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ग्रीन एनर्जी सेक्टर एज ए सेक्टर वाइज काफी अच्छा है। तो हम लोग थोड़ा सुपर मल्टीप्लाइज का देखेंगे अभी। ये एक कल का ही मैं देख रहा था कि 99 हो गया था ये वन टाइम पे, देखिए
ये देखिए 99.41, आज 1.6% उठा है, मतलब ये 100 पार करके इक्विटी लार्ज कैप को पकड़ेगा या फिर नहीं? शायद नहीं नहीं पकड़ पाएगा 1.6, क्योंकि इक्विटी लार्ज कैप भी आज इंक्रीज होगा ऑब्वियसली। तो देखते हैं ये दिन एंड होते होते, ये शायद शायद 10:30 रात को 10:30 बजे अपडेट होगा। अच्छा देखते हैं अभी हम लोग का स्मॉल कैप का क्या हाल। देखिए मेरा पोर्ट जैसे आप लोग थर्मनेल्स पढ़ के आए हैं कि मेरा लॉसेस ऑलरेडी हाफ हो चुका है। जितना लॉस था तो 1 लाख के प्लस लॉस था मेरा जब मैं लास्ट शेयर किया था आप लोगों के साथ। मैं कल मैं अपडेट शेयर नहीं कर पाया क्योंकि मैं घर पे था नहीं। तो अराउंड 1 लाख प्लस हो गया था मेरा लॉसेस पहले। आज का देखिए 40, इसका छोड़ दीजिए ये डिविडेंड लेके है, तो एटलीस्ट अराउंड 50,000 मेरा लॉस अभी दिखा रहा है। तो टोटल इन्वेस्टमेंट था 2794, अभी करंट वैल्यू 2744, ठीक है। तो ऑल टाइम रिटर्न यहाँ पे देख सकते हैं, सुपर मल्टीप्लायर का 1.02 पॉजिटिव हो गया है ऑलरेडी। स्मार्ट वैल्यू डिफरेंस क्योंकि इतना नीचे गिर गया था, 10-11% नेगेटिव में था, फिर भी आज रिकवर होकर 8.2 पे आया है। स्टॉक टर्म मोमेंटम तो 6.02, ऑल टाइम रिटर्न 2.5 दिन है, ढाई ढाई या 3 दिन में यहाँ पे देखिए इसका हाल क्या है, 6% ऑलरेडी रिटर्न दे चुका है मुझे। और आज का देखिए, आज का हीरो है 2.56 अपना स्मार्ट वैल्यू डिफरेंस। यहाँ पे पता नहीं वॉच लिस्ट पे एक अलग वैल्यू दिखाता है, मेरे पोर्टफोलियो में अलग वैल्यू दिखाता है। आई डोंट नो दिस, ये क्या क्या चक्कर है, किसी को पता रहेगा तो बोलिए। क्योंकि यहाँ पे 2.56 है ना, यहाँ पे स्मार्ट स्मार्ट वैल्यूज का 1 डे चेंज 2.56 दिखा रहा है, ठीक है। और यहीं पे मैं अगर बैक जाऊं, अगर मैं वॉच लिस्ट पे देखूं, वॉच लिस्ट पे है आज का डेटा, यहाँ पे देखिए आज का डेटा 1.56 और वहां पे 2 पॉइंट समथिंग था, 2.56 था। आई डोंट नो क्या दिक्कत क्या है इसका। जो भी हो, डेली चेंज 2.30 है, ठीक है। और ऑल टाइम रिटर्न्स में 1.02 है, 8.2 और 6.02। अभी धन ऐप पे चलते हैं अपन लोग। नहीं, धन ऐप से जाने से पहले थोड़ा डिटेल्स दिखा देता हूँ। सुपर मल्टीप्लायर्स का देखिए 9,800 ऑलरेडी रिटर्न्स हो चुका है, 12,400 क्योंकि डिविडेंड्स भी और भी डिक्लेयर हुआ था, इसलिए 12,400 मेरा टोटल रिटर्न है। टोटल रिटर्न ही पकड़ेंगे हम लोग। 12,10,000 इन्वेस्टेड था, 12,20,000 हो चुका है, 2.30% आज का एक दिन में ऊपर गया है। टोटल रिटर्न है 1.02%। वहीं पर स्मार्ट वैल्यूज का देखिए, टोटल अभी भी 89,000 नेगेटिव है मेरा, अभी भी 89,000 रिटर्न है। 10,85,000 पुट था, 9,96,000 होकर रखा है, 2.53% आज ऊपर गया। यहाँ पे 2.53 बोल रहे हैं, पता नहीं यार क्या है। एक दिन का एक जगह पे 1.56 दिखाता है, एक जगह पे 2.56 दिखाता है, एक जगह पे 2.53 दिखाता है, छोड़ दीजिए। टोटल रिटर्न है 8.23% नेगेटिव में। और स्टॉक स्टार का देखिए, 6.10% टोटल रिटर्न है, आज का रिटर्न है 2.06। 30,000 ऑलरेडी रिटर्न मिल चुका है, 451 का डिविडेंड दिया है, मनी पुट इन था 498, टोटल वैल्यू अभी होके रखा है 528। मैं बहुत खुश हूँ स्टॉक स्टार मोमेंटम से फिलहाल, तो अभी तक तो। अब आगे जाके देखते हैं कितना कितना रिटर्न्स देता है कि नहीं देता है। अच्छा धन ऐप में चलते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं सारा पॉजिटिव है। दिस इज अ वेरी ब्यूटिफुल पिक्चर ऑफ आवर स्टॉक मार्केट। विक्स नेगेटिव है, बहुत ही अच्छा बेहतरीन है कि वोलेटिलिटी कम हो रहा है मार्केट में। और एवरी एवरी इंडेक्स इज पॉजिटिव। 1.76 निफ्टी 50 का क्लोज हुआ है, नेक्स्ट निफ्टी नेक्स्ट 50 देखिए 1.65, मिड कैप देखिए 2.17, मिड कैप 52.24, स्मॉल कैप 1.15, सेंसेक्स 1.61, 2.12, मतलब मार्केट काफी अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब कर लिया है बजट का नेगेटिव न्यूज। जो भी नेगेटिव न्यूज था, कैपिटलाइजेशन लेके, इनकम टैक्स लेके, इंडेक्सेशन लेके, जितना भी नेगेटिव न्यूज था सब कुछ हजम कर लिया है, ठीक है। अभी मार्केट ढूंढ रहा है नया ट्रिगर के लिए, जो कि आएगा हम लोग का सेप्टेम्बर अक्टूबर में, जो कि आ सकता है फेड का रेट कट से। तो अभी देख लेते हैं आज का प्रॉफिट। देखिए 62,000 1 डे का प्रॉफिट है मेरा आज का हुआ है, 62,765, जो कि काफी बेहतरीन है। 2.34% ऊपर गया पोर्टफोलियो। ओवरऑल लॉस देखिए 49,000 एक टाइम पे, कल का ही एक टाइम पे, क्यों कल का ही मैं बोलूँ, 1,14,000 1,15,000 था, तो काफी रिकवर हो गया 49,000 पे आके रुका है। तो करंट वैल्यू है 27,44,000। तो अभी पोर्टफोलियो की तरफ देखते हैं, ये देखिए पोर्टफोलियो का हाल ओवरऑल आज का देखते हैं। आज का सारे पॉजिटिव ही है, बेसिकली मैक्सिमम पॉजिटिव है, कुछ कुछ छोड़ के तीन चार स्टॉक, चार स्टॉक है, 1, 2, 3, 4, चार स्टॉक छोड़ के सारे पॉजिटिव है। आज का मेनली मैक्सिमम पैसा दिया है ये वाले स्टॉक ने, 18,000 रुपीज एक ही स्टॉक ने दिया है, 5,700 इस ये वाले स्टॉक ने दिया है, 3,000 दिया है, 2,200 दिया है, 14,000 पॉजिटिव दिया है ये वाले स्टॉक ने, और लास्ट लास्ट थर्ड लास्ट स्टॉक ने 9,000 रुपीज दिया है। तो बेसिकली मार्केट ठीक ठाक था। सबसे ज्यादा देखिए 7.5% उठा है ये वाला स्टॉक
आज के दिन में टुडे 7.57% इज वेरी गुड, 6.37% उठा ये वाला। काश यहाँ पे पैसा ज्यादा नहीं है मेरा, लगाया हुआ नहीं है, इन्वेस्टमेंट अमाउंट ओनली 34,000 है, काश ज्यादा लगा हुआ रहता है। यहाँ पर भी 6.86% देखिए, 7.32% बेहतरीन रिटर्न्स दिया, आज का मार्केट काफी अच्छा था। ठीक है तो हो गया यहाँ पर, अभी चलते हैं हम लोग थोड़ा बात कर लेंगे ओमनी मिड कैप और जीआई मिड कैप। जो लोग भी बस अपना मेरा पोर्टफोलियो देखने के लिए आए हैं वो लोग स्किप कर सकते हैं ये वाला, और जो लोग चाहते हैं कि कंपैरिजन देखना वो लोग रहे वीडियो के साथ। तो देखिए ये दोनों काफ़ी अच्छा मिड कैप स्मॉल स्मॉल केसेस है। ठीक है, ओमनी का स्मॉल केस काफ़ी दिनों से लाइव है, सिंस लास्ट दिखाता नहीं है, यहाँ पर पहले दिखाता था। ओमनी का लाइव है सिंस 21, तो 4 साल ऑलरेडी, 3 साल, 2022-2024, 3 साल ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। वहीं पर जीआई मिड कैप नया स्मॉल कैप है, एक लास्ट ईयर अभी तक 1 साल भी कंप्लीट नहीं हुआ है, 11 महीना हुआ है इसका। तो हम लोग डायरेक्टली अभी हिस्टोरिकल डेटा ले कंपेयर नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी कुछ कुछ देखते हैं। तो इसका मिनिमम देखिए मिनिमम 62,000 है ओमनी मिड कैप का, वहीं पर जीआई मिड कैप का है 1,04,000, जो कि काफ़ी काफ़ी ज़्यादा है अगर कंपेयर करेंगे तो। अगर कोई भी नॉमिनल इन्वेस्टर है, अगर पैसा अपना लगाना चाहता है तो ओमनी मिड कैप आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन बन बन जाता है, क्योंकि इसका मल्टीपल्स जो है आपके अफोर्डेबल अफोर्डेबिलिटी लेके आपको इस मल्टीपल के साथ आप जा सकते हैं, रादर देन जीआई मिड कैप जो कि 1,04,000, 2,08,000 ऐसे करके लगाना पड़ेगा, दैट इज अ वेरी ह्यूज अमाउंट। अच्छा उसके बाद देख लेते हैं सब्सक्रिप्शन फीस। ओमनी मिड कैप का देखिए 5,900, दैट इज 6,12,000 पर ईयर। ठीक है, यहीं पर इसका रहेगा 14,000, तो 2,000 रुपये ज़्यादा है इसका, 2,000 से ज़्यादा, इनफैक्ट 2,260 रुपीज़ ज़्यादा है जी आई मेड कैप का। अभी रिटर्न्स देखते हैं हम लोग, इसका 1 ईयर का रिटर्न्स देखते हैं। ठीक है, 1 ईयर में देखिए 107% रिटर्न्स दिया है ओमनी मिड कैप ने। यहीं पर जीआई ने मैक्स में जाते हैं, क्योंकि 11 मंथ्स का ही रिटर्न्स है यहाँ पर, 11 मंथ्स। ठीक है, लाइव हुआ 11 मंथ्स से, तो 11 मंथ्स का रिटर्न्स देखते हैं 121, वहाँ पर 107 था, 120। तो रिटर्न्स के मामले में जीआई अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए आ रहा है। 6 महीने का देखते हैं 31%, ओमनी का देखते हैं 23, आराम से जीआई इज बीटिंग। 1 मंथ का 10%, ओमनी का 1 मंथ का 4%। तो आराम से हम लोग देख सकते हैं रिटर्न्स के मामले में जीआई इज वेरी गुड। ठीक है, जीआई हम लोग कंसीडर कर सकते हैं रिटर्न्स का अगर चाहते हैं तो। स्टॉक्स एंड वेज देख ले, 20 स्टॉक्स इज टू मच फॉर माई लाइकिंग। अगर डाइवर्सिफिकेशन चाहते हैं अपने पोर्टफोलियो में तो रख सकते हैं, अगर आपके पास और एक दो स्मॉल केसेस है जहाँ पर काफ़ी कंसेंट्रेशन है, जैसे मेरा मेरा दो स्मॉल केसेस था पहले, दो स्मॉल केस मिला के 7 स्टॉक्स था, तो काफ़ी हाई कंसेंट्रेशन हो गया था, इसलिए मैं एक तीसरा स्मॉल केस लिया जहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन अच्छा था। लेकिन अगर आप लोग भी चाहते हैं डाइवर्सिफिकेशन अच्छा, तो 20 स्टॉक्स इज फाइन। वहीं पर जीआई का देख लेते हैं स्टॉक्स, 10 स्टॉक्स है, दैट इज नॉमिनल, दैट इज वेरी गुड, दैट इज वेरी गुड। देखिए 10 स्टॉक ज़्यादा नहीं है, कम नहीं है। फ्रीक्वेंसी रिबैलेंसिंग मंथली, ये थोड़ा दिक्कत वाली चीज़ है मेरे लिए, क्योंकि मैं ज़्यादा सब्सक्रिप्शन फीस देना नहीं चाहता हूँ। यहाँ पर क्वार्टरली है, तो ब्राउनी पॉइंट्स यहाँ पे मिल जाएगा ओमनी मिड कैप को। नेक्स्ट रिबैलेंस होगा अगस्त 23 को, इसका नेक्स्ट बैलेंस होगा अगस्त 2। टाइमलाइन देख लेता है, ओमनी का टाइमलाइन है ये, तो नो चेंज। जब भी चेंज भी कर रहा है ना क्वार्टरली, देखिए जब चेंज भी कर रहा है, ऐसा नहीं है कि पूरा अपना पोर्टफोलियो चेंज कर दे रहा है, एक या दो स्टॉक ही निकल रहा है या ऐड कर रहा है, दैट इज़ वेरी गुड। इसका देखिए रिबैलेंस टाइमलाइन, इसका नॉट रिकमेंडेड कि 10 में से 4 निकाल रहा है, 4 एडिशन कर रहा है, और ये मंथली बेसिस पे हो रहा है, ऐसा नहीं क्वार्टरली बेसिस पे हो रहा है, मंथली बेसिस पे 2, 3, 4 ऐसे चेंज करते हुए आ रहा है। ठीक है, तो वो आप देख लीजिए थोड़ा। अच्छा ओमनी का डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं, अभी लार्ज कैप में 46, मिड कैप 39, स्मॉल कैप 14, तो स्मॉल कैप का एलोकेशन काफ़ी कम है, मैक्सिमम लार्ज और मिड कैप के ही है। जीए का देखें लार्ज और मिड कैप ही, स्मॉल कैप है ही नहीं इसमें, तो डायरेक्टली 40 और 60। तो बेसिकली क्योंकि 10 स्टॉक है, 4 स्टॉक है लार्ज कैप का, 6 स्टॉक है मिड कैप का, तो दोनों का ही डिस्ट्रीब्यूशन आप लोग बोल सकते हैं कि ठीक ठाक है, कुछ दिक्कत नहीं है। फिनेंशियल रेशियो देख लेते हैं, 18%, दैट इज़ वेरी गुड। 18% पी रेशियो है, पी रेशियो 2.58, दैट इज़ वेरी गुड। और इसका वहीं पर देख लेते हैं, वाओ 81%, 81% दैट इज़ वेरी हाई। 10% कंपेयर टू इक्विटी मिड कैप, 10% पी पी बी रेशियो,
तो ये थोड़ी दिक्कत वाली चीज है कि 80 रुपए दे के आप लोग 1 रुपया कमा रहे हैं, वहीं पर अगर वहां पर 18 रुपए दे के, यहाँ पर 18 रुपए दे के आप लोग 1 रुपया कमा रहे हैं। तो पोटेंशियल देखिए, पोटेंशियल अभी भी अच्छा है ओमनी में, अभी फिलहाल परफॉर्मेंस अच्छा कर रहा है जीआई का, फिलहाल और परफॉर्मेंस करते हुए आ रहा है, क्योंकि जीआई ने मैक्सिमम मोमेंटम वाला स्टॉक्स लेके रखा है। यहाँ पे देखिए 10 स्टॉक्स विद बेटर ग्रोथ पोटेंशियल, यहाँ पर जो भी 81% जो पी रेशियो आ रहा है, क्योंकि मोमेंटम वाले स्टॉक्स काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर इनका इनका प्रोप्राइटरी मॉडल भी है, ग्रोथ एक्सेलरेटर मोमेंटम सिस्टम, मोमेंटम वाले स्टॉक्स लेके रखे हैं। तो फिलहाल तो रिटर्न्स के मामले में मैं बोलूंगा कि जीआई मिड कैप का अच्छा दिख रहा है फिर भी। ठीक है, अभी नेक्स्ट चलते हैं, इसका कॉस्ट एंड रिटर्न्स थोड़ा देख लेते हैं। कॉस्ट एंड रिटर्न्स हम लोग ज़्यादा नहीं देख पाएंगे, 1 साल का ही देखेंगे। ठीक है, 1 साल में इसका भी मैक्स में चलता है 1 लाख 4 थाउजेंड, 1 लाख 20 थाउजेंड, 1 लाख। तो क्योंकि इसका 1 लाख 4 थाउजेंड इसका मिनिमम इन्वेस्टमेंट है, तो हम लोग इसका भी 1 लाख 4 थाउजेंड ही करते हैं, 1,04,000,00, इसका भी 1 लाख 4 थाउजेंड करते हैं, 1 लाख 16 थाउजेंड, और यहाँ पर 1 लाख 20 थाउजेंड। ओके, फिर भी ठीक है, इसका 1 ईयर है और इसका 11 मंथ्स है, फिर भी ठीक है। तो अभी देखते हैं ओमनी मिड कैप का, यहाँ पर 1 लाख 16 थाउजेंड लगा के आपका सब्सक्रिप्शन फीस जा रहा है 1 साल में 11,800, ट्रांजेक्शन चार्जेस देखिए ना के बराबर है 793, आपका टोटल इन्वेस्टमेंट बैठ रहा है 2 लाख 16 थाउजेंड, 1 लाख 16 लगा के 2 लाख 16 बन रहा है। और वहीं पर अगर मैं जी आई मिड कैप में जाऊँ, 1 लाख 20 बना लगा के 2 लाख 31 बन रहा है। तो ये अगर ट्रांजेक्शन चार्जेस थोड़ा ज़्यादा है और सब्सक्रिप्शन चार्जेस भी थोड़ा सा ज़्यादा है, तो लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर 92% मिल रहा है और ओमनी मिड कैप में 85% मिल रहा है। तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 6-7% का डिफरेंस है, लेकिन यहाँ पर सब्सक्रिप्शन फीस और ट्रांजेक्शन चार्जेस काफ़ी कम है ओमनी मिड कैप में। और इसका जो पोटेंशियल है, क्योंकि इसका पी रेशियो पीबी रेशियो काफ़ी कम है कंपेयर टू जीआई मिड कैप, तो ओमनी मिड कैप लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेक्ट्स के लिए अच्छा है। फिलहाल किसी को शॉर्ट टर्म के लिए बहुत पैसा कमाना है, जल्दी जल्दी करके पैसा कमाना है, तो रिटर्न्स के मामले में आई से जीआई मिड कैप इज़ वेरी गुड। अगर लॉन्ग टर्म के लिए किसी को लगाना है पैसा, इन्वेस्ट करना है अपना पी रेशियो पीबी रेशियो देख के, और रीबैलेंसिंग चार्जेस एक एक पोटेंशियल एक हैम्पर हो सकता है जिनके लिए, या फिर सब्सक्रिप्शन चार्जेस भी उतना ज़्यादा नहीं लगाना चाहते हैं, रीबैलेंसिंग फ्रीक्वेंसी उतना ज़्यादा करके रीबैलेंसिंग का टाइम नहीं रहेगा आप लोगों के पास, तो आप लोग कंसिडर कर सकते हैं ओमनी मिड कैप। अगर बहुत लोग अगर एक्टिवली मैनेज करना चाहते हैं अपना अपना स्मॉल कैश प्रोफाइल के, जिनके पास भी रिबैलेंसिंग से कोई दिक्कत नहीं है, या फिर सब्सक्रिप्शन चार्जेस भी थोड़ा सा ज़्यादा देने से दिक्कत नहीं है, और मोमेंटम मोमेंटम बेस्ड इन्वेस्टिंग करना चाहता है कि कौन कौन सा स्टॉक्स मोमेंटम में अच्छा आ रहा है, कोई फिक्र नहीं है पी रेशियो पीबी रेशियो के लिए, तो आप लोग आराम से जीआई मिड कैप इज बेटर देन ओमनी मिड कैप फॉर द शॉर्ट टर्म। तो गाइस, वीडियो लंबा हो जा रहा है काफ़ी, पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव वेरी गुड डे।